हेलो दोस्तों, माय टीचर सर्वदा मॉर्निंग। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है तो एक बार हाथ हिला दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं अनु छेत्री और मैं कालचीनी वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। आज का इस जूम सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं देख पा रही हूँ कि ऑल ओवर इंडिया से सब लोग जुड़ रहे हैं बहुत तेजी से। मैं देख पा रही हूँ बंगाल से, बिहार से, यूपी से, झारखंड से सब लोग जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आज का जूम सेशन बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि आपने जिनको इनवाइट किया था वो आए कि नहीं। एक बार ही कल कर लीजिए। और दोस्तों, आपको जूम जूम में वीडियो को ऑन करके बैठना है और डायरी पेन लेके बैठना है, क्योंकि जो आज हम लोग को एमडी सर बता रही है उसको हम लोग को नोट्स करना है। तो मैं ज्यादा लेट ना करते हुए आज का हमारे चीफ गेस्ट, हमारे आदरणीय एमडी सर को मैं इस मंच पे बुलाना चाहती हूँ। थैंक वेलकम सर, एमडी सर, वेलकम सर। यू वेरी मच अनु मैम। माय रिचार्ज अलविदा मॉर्निंग दोस्तों। एक और नई सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ, चौड़े वाले मुस्कुराहट के साथ एक नई सुबह की शुरुआत हम सब साथी करेंगे। आज का दिन, जैसा कि हम लोगों ने जो है कल ही हम लोगों को पता चल गया था कि आज के सेशन में हम उन विनर्स की बात करेंगे जो जिन्होंने एक संकल्प ले लिया है, एक सपना ले लिया है, एक दृढ़ निर्णय ले लिया है और उसके लिए वो फील्ड में काम कर रहे हैं कि ये मोबाइल जो 5,000 का मोबाइल जो कंपनी ने एक ऑफर दिया है ये हमारा होगा, इसको हम अचीव करेंगे, हमारी टीम में अचीव करेंगे लोग। तो उसी को लेके कि आप किस किस रणनीति पे काम कर रहे हैं, कैसे आपके साथी जो है आगे बढ़ रहे हैं, आप किस रूप में काम कर रहे हैं, कहाँ तक आप पहुंच गए हैं ये 7 दिन में, कहाँ तक अभी पहुंचने के लिए और प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये मोबाइल ऑफर जो है ना ये उतना ही आसान है जितना एक बीमार घोड़ी की। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और एक बार क्या हुआ, एक घोड़ी थी, बहुत उसने अपनी जवानी के टाइम पे जो है वो बहुत तेज दौड़ती थी, बहुत सारे उसने कारनामे किए, बहुत जबरदस्त। उसके मालिक जो है वो उसके दूर दूर तक चर्चा थी कि भाई घोड़ी हो तो ऐसी हो जी जो इनके पास है, ये करके। तो लेकिन धीरे 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 एक टाइम ऐसा आया कि घोड़ी जो है वो काम की नहीं रही, एकदम जो है चलना बहुत मुश्किल हो गया, बीमार रहने लग गई। तो मालिक ने उसको इधर उधर छोड़ दिया, तो यहाँ घास खा लेती, वहां घास खा लेती, यहाँ वहां घूम रही थी घोड़ी। एक दिन अचानक जो है उसको दिखा नहीं कहीं पे, और एक जो है कुएं का 15-20 फीट का एक गड्ढा था, उसके अंदर गिर गई घोड़ी जाके। अब कुएं के अंदर घोड़ी गिर गई तो लोग जो है ऊपर से आके अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि भाई अब ये घोड़ी नहीं बचेगी। कोई बोलता है इस घोड़ी को भाई बचाने के लिए बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है, ये 20 फीट के गड्ढे के अंदर गिरी हुई, इस घोड़ी को निकाला जाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, ये घोड़ी निकल नहीं पाएगी गड्ढे से बाहर। कोई बोलता है अब इस घोड़ी को तो इधर ही मरना पड़ेगा। कोई बोलता है इससे अच्छा तो है इस घोड़ी को जो है यहीं पे दफन कर दिया जाए, यानी मिट्टी डाल दो तो ये खत्म हो जाए। और ऐसा बोलने वालों की, बहुत सारे लोगों की जो है राय ज्यादा बढ़ने लगी कि भाई इस घोड़ी का अब कुछ मतलब नहीं है, काम की ये है नहीं, ये बाहर निकलेगी नहीं, इसको निकालने के लिए बहुत रिसोर्सेज लगेंगे। तो ऊपर से जो है सब लोग थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालो तो ये 20 फीट का गड्ढा भी भर जाएगा और ये घोड़ी भी जो है उसके अंदर ही दब जाएगी, मर जाएगी करके। बहुत ही पीड़ादायक चीज थी, घोड़ी सुन रही है, घोड़ी को आंसू निकल रहे हैं, घोड़ी सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, मैं एक जमाने में इतनी तेज दौड़ती थी, लोग मेरी तारीफ करते थे, मेरे मेरे को देखने आते थे लोग, लेकिन आज मैं असहाय हो गई हूँ, मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ, लोग मेरे को कोई निकालने वाला नहीं है, सब लोग मेरे ऊपर मिट्टी डाल के मुझे खत्म कर देना चाहते हैं। तो ऊपर से लेकिन कोई व्यक्ति घोड़ी की जो है फीलिंग को सुनने वाला नहीं था, सब लोग जो है अपनी बातें कर रहे थे, ऊपर शोर बढ़ता जा रहा था बाहर गड्ढे के, जोर जोर से लोग हल्ला कर रहे थे। किसी ने बोला कि भाई अब शुरू करो, अब क्या बच गया है, कुछ बचा नहीं है, मिट्टी डालना शुरू करो। तो लोगों ने जो है ऊपर से मिट्टी डालना शुरू किया, और लोगों ने जैसे जैसे मिट्टी डालना शुरू किया घोड़ी ने नीचे से एक डिसीजन लिया, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। घोड़ी ने एक डिसीजन लिया कि मेरे को अपने शरीर के ऊपर मिट्टी नहीं गिरने देनी है। लोग ऊपर से मिट्टी डालना शुरू किया गड्ढे के अंदर, और घोड़ी ने मिट्टी को जो है हर बार जो है ऐसे हिलाना शुरू किया, जब भी मिट्टी शरीर के ऊपर गिरती घोड़ी उसको हिला देती और मिट्टी नीचे गिरनी शुरू हुई। लोग मिट्टी डालते गए, लोग मिट्टी डालते गए, घोड़ी मिट्टी को हिलाती गई, लोग मिट्टी डालते गए, घोड़ी मिट्टी को हिलाती गई, मिट्टी कुएं में गिरती गई। 20 फीट का गड्ढा पहले 18 फीट का हुआ, फिर 17 फीट का हुआ, फिर 16 फीट का हुआ, फिर 15 फीट का हुआ, फिर 12 फीट का हुआ, फिर 10 फीट का हुआ,
और लोग मिट्टी डाले जा रहे हैं, घोड़ी जो है मिट्टी को अपने शरीर के ऊपर नहीं गिरने दे रही है, घोड़ी पूरी मिट्टी को नीचे डाल देती है, कुएं भरता 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 4 फीट 3 फीट 2 फीट, लोगों ने देखा घोड़ी ऊपर आ गई एकदम से, लोग मिट्टी डाल रहे हैं अपने अपने बहुत तूफानी तरीके से, सब लोग मिट्टी फेंक रहे हैं मिट्टी फेंक रहे हैं, घोड़ी आराम से कुएं से बाहर निकल गई। ये मोबाइलों पर भी वो बीमार घोड़ी जैसे बाहर निकल गई कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, कि आप कितने कैपेबल हैं, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यह है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, कि ये मोबाइल ऑफर मेरे लिए है या कंपनी ने किसी और के लिए है। घोड़ी ने सिर्फ एक ही काम किया, मिट्टी को, थोड़ी सी मिट्टी जो उसके ऊपर गिरी उसको ऐसे हिलती रही शरीर को, मिट्टी नीचे गिरती रही कुएं में, घोड़ी ऊपर आती रही 20 फीट 18 17 16 15 14 10 5 2 1 हो गया, गड्ढा भी खत्म हो गया, घोड़ी कुएं से बाहर आ गई, घोड़ी अपना घास खाने के लिए निकल गई। ऐसे ही जो है हमारे बहुत सारे साथी जो है दिसंबर जब खत्म होगा तो अपने मोबाइल के साथ जो है सेल्फी ले रहा होगा, कोई अपनी फैमिली की फोटो खींच रहा होगा, कोई जो है नया इसको दिखा रहा होगा, लेकिन कौन जो संकल्प लेंगे, क्योंकि संकल्प की शक्ति जो है वो सबसे बड़ी है, और संकल्प आता है हमारे ड्रीम से, अगर हमारा ड्रीम है तो हमारा उसके साथ संकल्प आता है, तो ड्रीम जब संकल्प के साथ यानी एक डेट उसके साथ जुड़ जाती है, मेरा एफर्ट्स जब जुड़ जाता है, तो ये दोनों मिलके जो है हमारे अचीवमेंट को लेके आ जाते हैं। इस ऑफर को कितने ही सारे साथी इसको अचीव कर रहे हैं, देश भर से अचीव कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अचीव कर रहे हैं, क्या आपकी टीम अचीव कर रही है, क्या आप वो कुएं में गिर गई घोड़ी की दो मानसिकता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है मुझे मर जाना है, तो आपके लिए ऑफर कैसा है? क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई हम डंपिंग को बढ़ावा नहीं देते, कितने ही लोग इस मोबाइल ऑफर को कर सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं सीख के इस ऑफर को करना है, यानी हमको माय रिचार्ज के प्रोडक्ट को जन जन तक घर घर तक लेके जाना है, अपनी टीम में लेके आना है, तो हमारे घर में एक भी प्रोडक्ट नहीं बचना चाहिए, वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे हर व्यक्ति के यूज में होने चाहिए। तो आपने खरीद लिया, आपके घर में प्रोडक्ट रखे, मोबाइल ऑफर ले लिया, वो तो एक लायबिलिटी बन गई, उस लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हम, इसलिए हम बात कर रहे हैं आज के दिन में वो साथी जो इस ऑफर को लेके पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी टीम में इसको प्रमोट कर रहे हैं और इसको अचीव कर रहे हैं, खुद भी अचीव कर रहे हैं, अपनी टीम में भी अचीव करा रहे हैं, उन कुछ साथियों से जो है आज के दिन में हम बात करेंगे। तो हर व्यक्ति के लिए जो भी साथी बात करना चाहता है उनके लिए क्या करना है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे साथी ना ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे हाथ नहीं दिखता भाई, 800 लोग अभी हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर लेंगे इसमें थोड़ी देर में, तो हाथ दिखता नहीं है एक्चुअल में। तो इसमें एक सिस्टम बनाया, क्योंकि सिस्टम को सीख के आगे बढ़ा जाता है, बोलते हैं कि बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती और सीख के जो है हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है, तो डिजिटल हैंड रेज करना है हमको, इस चीज को ध्यान रखना है। आज के दिन में उस आदमी को मौका मिल रहा है जो इस मोबाइल ऑफर में, यानी कम से कम आपको क्या करना है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जिसका कुछ ड्रीम है, तो ड्रीमर्स का जो है बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आजकल डिजिटल बैकग्राउंड भी आते हैं, आप डिजिटल बैकग्राउंड लगा सकते हैं, मोबाइल आपका वाइड होना चाहिए हमेशा, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि मेरा मोबाइल जो है ऐसे वाइड होगा, पीछे का मेरा जो है बैकग्राउंड अच्छा होगा, नॉइज नहीं होना चाहिए, चलते हुए कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है उसमें आपके बोलने का कुछ मतलब नहीं निकलेगा, आप अपनी रेपुटेशन को जो है डाउन करेंगे, दूसरों को नहीं, आप अपनी रेपुटेशन क्या देना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद खुद का जो रेपुटेशन है ना वो इंसान खुद क्रिएट करता है। तो एक बार थोड़ा सा जो है रिकैप कर लेते हैं, ये मोबाइल ऑफर है क्या, ये मोबाइल ऑफर नवंबर और दिसंबर में अगर आपकी टीम में टोटल 8 डायमंड क्लब हो जाते हैं और आप खुद भी अगर नवंबर और दिसंबर में डायमंड क्लब करते हैं तो आपको 5,000 रुपए का एक मोबाइल मिलता है। इसमें कौन कौन साथी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी जो साथी इस नवंबर में ज्वाइन किया है कंपनी को, या पहले से ज्वाइन है, या जो साथी पहले से डायमंड क्लब कर रहे हैं, या जिन्होंने पहले डायमंड क्लब किया था कंप्लीट कर लिया, या डायमंड क्लब किया था बीच में छूट गया, या पहले से स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे थे, या कभी भी आपने डायमंड क्लब स्मार्ट कंज्यूमर नहीं किया, आप सिर्फ अपने घर की जरूरतों की चीज खरीद रहे थे, या आपकी टीम में बहुत सारा बिजनेस हो रहा था आप लेकिन कभी भी डायमंड क्लब नहीं कर रहे थे, वो भी चालू कर सकते हैं सारे लोग, मतलब कोई भी माय रिचार्ज का एसोसिएट जिसका ड्रीम है कि दिसंबर के बाद 5,000 का ये मोबाइल तो मुझे भी मिलना चाहिए, वो सारे साथी इसको अचीव कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करना क्या है, नवंबर महीने का टास्क क्या है कि आप ऑलरेडी अगर डायमंड क्लब कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ नई कंडीशन नहीं है, आप उसी डायमंड क्लब को कंटिन्यू करना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो खुद का डायमंड क्लब चालू करना है, नंबर 1।
नंबर टू हमें क्या करना है कि हमारी टीम में चार लोगों को, चार साथियों को, चार ड्रीमर्स को डायमंड क्लब चालू कराना है, ये बताते हुए कि इस डायमंड क्लब को करने से तीन फायदे हैं, 15% कमीशन मिलता है, 14,000 के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं साल में दो बार, और हस्बैंड वाइफ जो है वन नाइट टू डे के लिए गाला नाइट म्यूजिकल म्यूजिकल नाइट होती है, गाला डिनर होता है, सेलिब्रेशन होता है, ट्रेनिंग होता है, तो उसके अंदर जो है 5 स्टार में जो है इंजॉय कर पाएंगे, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बताते हैं हमें चार साथियों को जो है डायमंड क्लब चालू कराना। अगर इन्हीं साथियों को सेम चीज हम रिपीट कर दें दिसंबर में, जो हमने नवंबर में चालू कराया उसको हम दिसंबर में रिपीट कर दें, सिर्फ उन्हीं साथियों का दूसरा महीना रिपीट करा लें और अपना डायमंड क्लब कंटिन्यू कर लें, तो आपका मोबाइल हो गया, बस इससे सिंपल कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अगर डायमंड क्लब अपना चार नहीं करा पाए तो तीन भी करा सकते हैं, फिर आपको दिसंबर में जो है एक नए और साथी को नहीं, दो साथियों को चालू कराना पड़ेगा, क्योंकि तीन को आपने इधर किया तो दिसंबर में भी तीन और आपके रिपीट हो जाएंगे, सेकेंड मंथ तो छह, तो फिर दो नए साथियों को, यानी काम बढ़ जाएगा। तो मैं बोलूंगा चार को कोशिश करिए, अगर आप पांच साथियों को करा सकते हैं नवंबर में स्टार्ट, वेल एंड गुड, आपका काम बहुत आसान हो गया दिसंबर के लिए। आप में से अगर किसी ने छोड़ भी दिया किसी ने बीच में, एक तो तीन ही साथियों का आपको कंप्लीट कराना है, लेकिन आप पूरे आठ भी नवंबर महीने में चालू करा सकते हैं, आप छह भी करा सकते हैं, आप सात भी करा सकते हैं। आपने आठ कराए तो क्या करना है दिसंबर में, दिसंबर में सिर्फ अपना डायमंड क्लब अगर आप मेंटेन करते हैं तो भी आपका जो है डायमंड ये मोबाइल ऑफर आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसको सारे साथी समझते हैं, हमारे सब लोग जानते हैं, इसको मानते हैं, फील्ड में निकल रहे हैं, सारे साथी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथियों ने जो है 30 से ज्यादा साथियों ने अपने हैंड रेज कर दिए हैं, मैं वन बाय वन करके यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। सुरेंद्र यादव जी को मैं बुलाता हूँ सबसे पहले। सुरेंद्र यादव जी अनम्यूट करिए और बताइए कि क्या रणनीति पे आप काम कर रहे हैं इस मोबाइल ऑफर को लेने के। मॉर्निंग सर। जी सर। सर इस मोबाइल ऑफर जो है सर, इसका जानकारी तो मैं बढ़िया तरीके से समझ गया हूँ, और मैं अपने टीम में भी सभी को बताया हूँ कि जो मोबाइल ऑफर है, ऑलरेडी हमारे टीम में चार पांच डायमंड क्लब ऑलरेडी हो रहा था, और इस महीने में नया चार पांच जने को मोबाइल ऑफर अचीव करवाना चाहता हूँ, और ये मैं पूरे तैयारी में लग चुका हूँ। मैं अपने टीम के साथ बैठ के बात किया हूँ, सारे टीम हमारे एक्टिव है, हमारे साथ सारे टीम तैयार है, और मैं खुद भी अपना मोबाइल ऑफर करूंगा, और चार पांच जने को मैं अपना कम से कम मोबाइल ऑफर भी करवाऊंगा। और इसके साथ साथ अभी जो हमारे आप सर आपका जो वेलकम है दरभंगा में, वहाँ जो आपका सेमिनार है उसका भी सर मैं जोरदार तैयारी कर रहा हूँ, और मोबाइल ऑफर के बारे में सर मैं लगातार लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा टारगेट तो पांच था, लेकिन मैं पांच और को समझा के 10 करवाना चाहता हूँ, ताकि हमारा जो एक इनकम हो उसके जरिए मेरा इनकम भी बढ़े, और मैं अपने टीम को बहुत बढ़िया से लीड कर सकूँ, और मैं खुद को आगे बढ़ सकूँ। सर मैं इस टारगेट के लेके आगे बढ़ रहा हूँ और मोबाइल ऑफर रिसीव करूंगा सर। बहुत बढ़िया सर, सबसे पहले आपने ड्रीम लिया है, उसके बाद लिस्टिंग किया है ना, फिर लोगों से बात किया है, फिर उसको अचीव करने के लिए उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे उसके ऊपर बात किया है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आप चार के ऊपर रिस्क नहीं ले रहे, आप उससे ज्यादा के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। रजन्या दास मैडम आइए एक बार। रजन्या दास मैडम अनम्यूट करिए मैडम। मॉर्निंग सर। मैं तो जिस लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर कर रही है उसको ड्रीम फाइंड आउट करके कैसे डायमंड क्लब में कन्वर्ट किया जाए उसी के लिए ऊपर सर मैं काम कर रही हूँ। और सर जो 7 दिन बीत चुका है उसमें मैं कई लोगों से बात भी किया हूँ, तो दो जो नैसी भी है वो बहुत पॉजिटिव है और वो इस महीने से डायमंड क्लब कंटिन्यू करेंगी, वो मुझे बताया है। और सर मेरी डेली एक से दो प्लान होती है, और सर जब मैं न्यू प्लान दिखाती हूँ उसमें डायमंड क्लब क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में सर मैं बताती हूँ कि डायमंड क्लब करके हमें सबसे ज्यादा 15% हमें कमीशन मिलेगी, और सर हमें 14,000 साल में 14,000 की फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगी, और सर सबसे ज्यादा जो बात है कि हमें 5 स्टार होटल में जो हम सबने भी नहीं सोच सकते थे 5 स्टार होटल में रुक के वहाँ की जो फीलिंग्स हमें हमके अंदर लेना चाहिए वो सर कभी भी पॉसिबल नहीं था। तो इस ऑफर को हम जब करते हैं तो हमें इतना बेनिफिट मिलता है
सर हम तो साल में बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर से भी मंगवाते हैं, उसमें सर ऐसे मौका हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सर बढ़िया हाँ मैडम, बहुत शानदार मैडम। तो इन मैडम क्या कर रही हैं, बहुत ही अच्छी बात बोला इन्होंने कि ये स्मार्ट कंज्यूमर को ही सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं, कि स्मार्ट कंज्यूमर को डायमंड क्लब में बदल रहे हैं, और फिर उनके क्या क्या बेनिफिट हैं जैसे हम लोगों ने बात किया पहले, उसी चीज को अपनी टीम में जो है वो डुप्लीकेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने भी लिस्ट बनाया सबसे पहले कि कौन स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हैं, इसके अलावा और नए लोग कौन है, उसके अलावा फील्ड में जा रहे हैं, तो उस सारी चीज को बात कर रहे हैं ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बार राम बालक जी आइए, एक बार डॉक्टर राम बालक जी। जी सर, जी सर, जी, माय डिचार्ज मॉर्निंग माय मॉर्निंग सर। जी। मेरा टारगेट है कि हम कंटिन्यू डायमंड क्लब कर रहे हैं जी और साथ ही साथ अपने डाउनलाइन में भी, और नवंबर दिसंबर में कंटिन्यू करके उनको भी मैं मोबाइल दिला सकूं, जी और मेरा यही टारगेट है। बहुत बढ़िया। राम बालक जी जो है इन्होंने कुछ आगे बताई उससे कि वो अकेले अपने मोबाइल ऑफर के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, वो अपनी टीम को कैसे मोबाइल ऑफर मिलेगा इसके ऊपर थोड़ा और आगे जाके काम कर रहे हैं, कि खुद का तो अचीव कर रहे हैं लेकिन टीम में कैसे मिलेंगे उसको लेके जो है काम कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, उनकी टीम भी कर रही है। राम बालक जी जो है उनकी टीम में जो है बहुत सारे साथी जो है डायमंड क्लब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा खुद का तो हो ही गया, और वो फिर सारे साथी जो है इसको एक माहौल बन जाएगा, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। मामोनी मनी मैडम आइए एक बार, मामोनी मैम जी। मैम गुड मॉर्निंग सर जी। जी मैम मैं इस टारगेट को फॉलो कर रही हूँ। नवंबर के 20 तारीख को टारगेट लिया है सर, 20 तारीख के अंदर ही मैं इस मोबाइल को अचीव करूँगी। और खुद मैं नहीं, मेरे टीम में भी दो साथी है ऐसा जो इस मोबाइल को अचीव करने के लिए काम कर रही है। मुझे उम्मीद है उनके पर पूरा विश्वास है कि वो भी अचीव कर लेंगे। बहुत शानदार मैम। तो देखिए इन मैडम ने दो दो चीजें अलग अलग बताई है ना, पहले बताया कि वो मोबाइल ऑफर को खुद अचीव कर रही हैं लेकिन एक डेट दिया इन्होंने, क्योंकि ड्रीमर्स हमेशा डेट देते हैं और डेट जब हम अपने ड्रीम को दे देते हैं तो वो पूरा होता है। तो इन्होंने बताया 20 तारीख के अंदर ही मैं जो है अपना 4 जो है वो मैंने टारगेट लिया है उसको कंप्लीट कर लेंगे, खुद का तो कर ही रही हूँ लेकिन इसके अलावा मेरी टीम में दो और साथी हैं वो भी इस ऑफर को अचीव करेंगे साथ में, मतलब 3 लोग जो है ये इस ऑफर को अचीव करेंगे। तो इनकी टीम में कम से कम कितने डायमंड क्लब हो गए, अगर आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि कैसे 12-13 जो है डायमंड क्लब इनकी टीम में हो रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसको करने के लिए क्या करना है, बहुत क्लियर रूप में जो है ये बात कर रहे हैं। कल्पना मैडम आइए एक बार, कल्पना मैडम सर माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी मैम सर मैंने मोबाइल ऑफर के लिए मैं और मेरे साथी 6 साथी के साथ फाइनली प्लानिंग किया हूँ कि जी मोबाइल ऑफर मैं अचीव करूंगी टीम के 6 साथी के साथ। जी और मैं तो 18 तारीख के अंदर 4 डायमंड क्लब कंप्लीट कर लूंगी, वो जी तो जो भी करके, क्योंकि मैं तो स्मार्ट कंज्यूमर को भी कन्वर्ट करती हूँ आप जानते हैं। जी और नया डायमंड क्लब दो इस महीने में दो साथी को नया ज्वाइनिंग कराएंगे, उसके साथ बात भी हो गई, वो फ्रेंड सर्कल है मेरे। और टीम के साथ ये प्लानिंग हुआ कि उन्होंने कैसे इसको अचीव करे, तो उन्होंने उनको मैं जानकारी दी, मेरे जो सीनियर है उनके गाइड से, कि पार्ट पार्ट डे 2 प्लान शो करना ही पड़ेगा। 2 प्लान शो करेंगे और अगला 20 दिन में 40 प्लान शो हो जाएगा, और उस 40 प्लान शो में 4 डायमंड क्लब निकलना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो फील्ड में रहना पड़ेगा, घर में बैठ के सोचने में कुछ भी नहीं होगा, फील्ड में जाना पड़ेगा और प्लान शो दिखाना पड़ेगा। इसके दरन का बात हुआ मेरे टीम से, और वो भी प्लान शो दिखाने में फील्ड में उतर भी गए हैं। ऐसे करके मैंने एक ही टारगेट दिया हूँ कि फील्ड में 2 प्लान शो हर दिन होना चाहिए, तो वो भी शुरू कर दिया है सर। थैंक बहुत यू सर। शानदार मैम। तो मैडम ने पहला बताया कि अपना जो है 18 से को पूरा पूरा कर लेंगे, पहला चीज खुद पूरा करेंगे। लीडर जब करता है तो टीम करती है, लीडर जब बोलता है तो टीम नहीं करती है, टीम वो करती है जो लीडर करता है। लीडर
जो बोलता है उसको डीम नहीं करती है। तो पहला इनका स्टेटमेंट कि भाई हम अपना 18 तक पूरा करेंगे। दूसरा चीज इन्होंने जो चीज बताई वही हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी जान है कि सो द प्रोडक्ट सो द प्लान, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, कि हम फील्ड में जितना लोगों को दिखाएंगे ऑटोमेटिक हमारी टीम में उतने ज्यादा लोग चल के आएंगे। तो उसके लिए हमने बीच में भी एक सेशन किया था कि सबसे पहले प्लान सीखो, प्लानर बनाओ, फील्ड में उतरो, ड्रीम लिखो, संकल्प करो। यही 5-6 चीजें हैं जो जो इस इसके अंदर अगर हम डिसिप्लिन से करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। बहुत पहले कल्पना मैडम ने एक डिसीजन लिया कि अपने सब स्मार्ट कंज्यूमर को डायमंड क्लब में कन्वर्ट करेंगे। ये ऑफर नहीं था इस ऑफर के बिना, और इनके स्मार्ट कंज्यूमर जो है वो डायमंड क्लब में कन्वर्ट होते चले गए। तो जिसने संकल्प ले लिया अपने ड्रीम के साथ कि मुझे ये मोबाइल ऑफर अचीव करना ही करना है, तो वो लोग अचीव कर लेंगे बहुत आसानी से। उसके लिए करना क्या है, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट। तो उसके पहले जो है हमको क्या क्या करना है, उससे पहले लिस्ट बिल्डिंग करनी है। किसकी, हमारे ड्रीम की। ड्रीम की लिस्ट बिल्डिंग जो साथी करते हैं ना, उनकी लिस्ट बिल्डिंग दूसरी आगे फिर होती है। बिना ड्रीम के लिस्ट बिल्डिंग होती नहीं है। अर्पिता सिंह मैडम आइए एक बार। अर्पिता मैडम जी मैम, हम इस महीने में मोबाइल अचीव करूंगी, उससे जी जो मेरे टीम में स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हूँ उसको हम डायमंड क्लब में कन्वर्ट करूंगी। बहुत बढ़िया मैडम, आप हिंदी में बोल रही हैं, इसके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए इन मैडम के लिए पहले तो। और इन्होंने वही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, अपने स्मार्ट कंज्यूमर को डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ी चीज है उसको लेके, और फील्ड में भी निकल रही है करके। बहुत शानदार मैम। अर्चना मैम आइए एक बार। अर्चना मैम जी, गुड मॉर्निंग सर। अभी तो हम लोग वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल से हम लोग से बोल रहे हैं मैडम। आपको एक काम करना है अर्चना मैडम, आपके पास एक दूसरा मोबाइल पे आपने लॉगिन किया है या इसमें डबल कर रखा है, आप उसको हटा दीजिए वहां से, है ना। अब अनम्यूट करिए वापस से। আমি ডায়মন্ড ক্লাব করছি আর আমি আমার টিম আমি চেষ্টা করছি আমি 20 তারিখের মধ্যে 4টা ডায়মন্ড ক্লাব কমপ্লিট করে নিব। बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार। इन्होंने भी अपना टारगेट रखा है कि 20 तारीख से है ना उस तक जो है अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करेंगे। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। एक बार सजन लाल जी आइए। सजन लाल जी, आपकी स्ट्रेटेजी है उसको भी साथी रखते जाएं, क्योंकि दूसरे साथी इसको सुनते हैं तो सीखते हैं, जानते हैं, अप्लाई करते हैं। जी सर। माय चॉइस वार्निंग सर। जी सर। मेरा सवाल सर, जैसे हम डायमंड क्लब अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम करते हैं जी, और हमारी टीम जैसे डायमंड क्लब हो रहा है, क्या ये मान्य होगा? क्योंकि अपनी डायमंड क्लब देखती है, आदमी नहीं देखती है सर। कंपनी डायमंड क्लब देखती है सर, आदमी नहीं देखती। किसी लेडी ने किया, जेंट्स ने किया, आपके रिश्तेदार ने किया, आपके दोस्त ने किया, दुश्मन ने किया, किसने किया, उसको नहीं देखते। कंपनी का जो सिस्टम है, आपको आपके सीनियर ज्यादा बेटर रिप्लाई कर पाएंगे सर इसका। सजन लाल, अपनी आईडी करना पड़ेगा सर, खुद की आईडी पे ही करना पड़ेगा ना सर, खुद अच्छा, को ही तो रिश्तेदार का क्या मतलब, जिस आईडी पे उसके नीचे रिश्तेदार नहीं सर, घर का बेटा ही है उसके नाम से करते हैं। उससे नहीं होगा, उस आईडी के नीचे फिर 4 होने चाहिए आपके बेटे की आईडी पे, तो उसके नीचे 4। अच्छा सर, ना कि ये कि साहब मेरे बेटे की आईडी में हो गया और मेरी इधर लेग में हो गया, ये नहीं। सर मैं स्मार्ट अपने नाम करता हूँ, उसके नाम से डायमंड करता हूँ, हमारे तीन हुआ। नहीं, आपको टॉप आईडी पे करना पड़ेगा, अगर टॉप आईडी के नीचे है तो, है ना। धन्यवाद। आप फिर से काम कर रहे हैं इस पे, कुछ आप कर रहे हैं काम, कोई कुछ चीज बताना चाहेंगे आप? चलिए सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मीता समसाल मैडम आइए एक बार। मीता मैडम চাইবো এক মাসের মধ্যে ডায়মন্ড ক্লাব করে নিতে। বহুত বড়িয়া ম্যাডাম, তো আপ তো যো হ্যায় নয়ে হ্যায় ইস বিজনেস মে, আর আপনে খুদ আপনা ডায়মন্ড ক্লাব চালু কর রহে হ্যায়, বহুত বড়িয়া। তো এসে বহুত সারে নয়ে সাথী হোঙ্গে জিনকে ড্রিম মে ম্যাডাম আপকো তিন চিজে আপকে সিনিয়র নে বাতায়েঙ্গে কি ডায়মন্ড ক্লাব করনে সে হমে ক্যা ক্যা ফায়দা হোতা হ্যায়,
पहला फायदा होता है कि 15% कमीशन मिलता है हमको, दूसरा फायदा ये होता है कि 14,000 के प्री प्रोडक्ट मिलते हैं 12 महीने में, और तीसरा जो है हस्बैंड वाइफ 5 स्टार में जाते हैं और उसमें जो है एंजॉय करते हैं 1 night 2 day का, तो बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, एक बार राखी विश्वास मैडम आइए, एक बार राखी विश्वास। गुड मॉर्निंग सर, मैं इस महीने एक स्मार्ट कंज्यूमर को डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर चुकी हूँ और दो होगा और एक थोड़ा चैलेंज है उसके लिए मैं न्यू लीज बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, तो उनका आधा जो हिस्सा है वो उन्होंने बताया नहीं, आधा तो ऑलरेडी कंप्लीट कर रही हैं, तो एक स्मार्ट कंज्यूमर को कन्वर्ट कर रही हैं और एक के लिए लिस्ट बिल्डिंग करके जो है फील्ड में जा रहे हैं सोदर प्लान सोदर प्रोडक्ट करने के लिए, तो मैडम भी कंप्लीट कर रहे हैं। चंदना सेनापति मैडम आइए एक बार। मरीचेज मॉर्निंग सर। मरीचेज मॉर्निंग मैम। तो मैं तो अभी 10 तारीख के पहले 2 मोबाइल अचीव करूंगी, टीम से कराऊंगी, खुद का भी हो रहा है, टीम से क्यों कराऊंगी, तो टीम का छोटा छोटा मोबाइल रहता, मेरे पास छोटा मोबाइल है, मैं जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती हूँ। मैं बोला ठीक है, अपना सपना क्या है लेके निकलो, मैं अभी अचीव कराऊंगी क्योंकि हमारी कंपनी इतना सुंदर बढ़िया इतना ऑफर दिया है, उसको तो हमें अचीव कराऊंगी, खुद तो कराऊंगा टीम को भी कराऊंगी, और 2 10 तारीख के पहले मेरा 2 मोबाइल अचीव हो रहा है सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, खुद भी अचीव कर रहे हैं, टीम में 2 साथियों को अचीव करा रहे हैं, और किस लिए करा रहे हैं बोलो, छोटा छोटा मोबाइल है जिसका भी सपना है कि यार मेरे हाथ में सबके दूसरे के हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल, मेरे हाथ में छोटा छोटा मोबाइल क्यों, उसके लिए कंपनी ने ये ऑफर दिया है, तो बड़ा वाला मोबाइल अगर लेना है हमको तो इसको अचीव करना है, एक भी पैसा नहीं लग रहा और इसका पैसा है उससे जो है अच्छे वाला मोबाइल जो है हमको लेना है। बहुत शानदार मैडम, बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ आप काम कर रहे हैं, टीम भी काम कर रही है, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं, विभूति भूषण जी आइए एक बार, विभूति जी। माय रिचार्ज, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, ये महीने में नवंबर दिसंबर में जो मोबाइल ऑफर निकला है वो तो बहुत शानदार है और हमारा दिल दिमाग में ऊर्जा भर दिया है जी। और इसी हम लोग फुल ताकत के साथ काम कर रहे हैं सर। हमारा मोबाइल ऑफर लेंगे, हमारा टीम को भी दिलाएंगे, हम तो मैं तो अभी तक 2 डायमंड क्लब कर चुका हूँ और हमारा जो नीचे में डाउनलाइन है वो डाउनलाइन को भी बोल के वो स्मार्ट कंज्यूमर को ये हमारा डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर रहा हूँ और 5-6 जन को मोबाइल दिलाने के लिए तैयारी में हूँ अभी तक। बहुत शानदार, तो 5-6 जन को मोबाइल दिलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरा चीज इन्होंने बोला कि दिल और दिमाग में छा चुका है, ये हमारे दिल और दिमाग की जो चीज है, तो 2 डायमंड क्लब कंप्लीट करा लिए हैं टीम में, क्योंकि टारगेट जब मिल गया 1 तारीख को मिला तो आज 8 तारीख की सुबह है, लेकिन उससे पहले 2 करा लिए हैं, लेकिन 4-5 साथियों को और कराना चाहते हैं और चेहरे की मुस्कान तो आप देख ही रहे हैं, लंबे वाली सी है, तो बहुत जब दिल को जब छू गया है ऑफर तो फिर जो ऑफर तो हो ही जाता है। स्वप्ना मैडम आइए एक बार। माय रिचार्ज अर्बदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर आमी अपनी जे ऑफरটা দিয়েছেন মোবাইলের এটা তো আমার মাথায় টার্গেট আমি নিয়েছি করবই, সেইভাবেই আমি ফিল্ডে বেরোচ্ছি, কাজ করছি, প্রোগ্রাম করছি, আমার যে হার্ডলাইনে তাদের ক্ষেত্রেও আমি কাজ করছি, তাদেরকে পাইয়ে দেওয়ার কাজ করছি। बहुत शानदार, बहुत शानदार, एक एक वर्ड जो है ना मैडम ने इतना इम्पोर्टेंट बोला है कि अपने सर मतलब दिमाग दिलो दिमाग में ले लिया है इसको पूरा ना। दूसरा है कि फील्ड में जा रहे हैं, टारगेट को फिक्स कर लिया है, टीम को बता रहे हैं करके इसको कर रहे हैं डे वन। बहुत शानदार मैडम, लिस्ट आएगी तो आपका भी नाम आपकी भी फोटो उसके अंदर होगी करके। खास बात यह है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं, सेमिनार में भी साथ जाते हैं, होम मीटिंग में भी साथ जाते हैं, हर जगह फील्ड में भी साथ जाते हैं, तो हेल्थ भी अच्छा हो गया है और फुल टाइम हस्बैंड मिल गया। जो लेडी फुल टाइम हस्बैंड चाहती है ना उनको मैं बोलूंगा कि माय रिचार्ज में आप दोनों लोग साथ काम करिए तो फुल टाइम हस्बैंड आपको मिल जाएगा ना। जिनको पार्ट टाइम हस्बैंड मिलता है जो दूसरा बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं तो हस्बैंड उनको पार्ट टाइम मिलता है ना, कुछ टाइम आता है, लेकिन फुल टाइम हस्बैंड चाहिए तो इस बिजनेस में उनको साथ लेके आइए, माइंड सेट करिए तो फुल टाइम हस्बैंड आपको मिल जाएगा। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त सपना मैडम। और आगे बढ़ते हैं, चंपा खांडा मैडम आइए एक बार, बहुत शानदार। माय रिचर्ज मॉर्निंग सर। जी मैम। मेरा टीम में दो दो मतलब हार्टलाइन को हम डायमंड क्लब स्टार्ट कर दिए और कर रहे हैं, और मेरा टीम में और एक मतलब
डायमंड क्लब जो कर रहे थे इसका अगला महीना खत्म हुआ, इस महीने उनको भी स्टार्ट करेंगे, और जी न्यू जॉइनिंग कर रहे हैं इस महीना से स्टार्ट कर दिए, और सब डायमंड क्लब से ही करवाएंगे, और जो स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे थे उसको भी डायमंड क्लब के लिए स्टार्ट करेंगे। बहुत शानदार मैम, बहुत और शानदार मैम। बोलने का अंदाज भी बदल गया चंपा मैडम, और अचीवमेंट भी आ जाते हैं। जब हम सोचते हैं हम करते हैं तो वैसी ही चीजें हो जाते हैं। आप चंपा मैडम का अगर 4-6 महीने का पहले का बोलने का अंदाज और आज का करेंगे तो दिन रात का फर्क आ गया, क्योंकि ड्रीमर्स जो है वो इसी रूप में बोलना शुरू करते हैं। अचीव करेंगे, कराएंगे। आप भाषा को अगर नोट करेंगे तो बहुत जबरदस्त। सैल्यूट करते हैं मैडम आपको, आपने इतना चेंज किया है अपने अंदर, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी फोटो तो साथ लेके आएगा, टीम से भी साथियों को लेके आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए और आगे बढ़ते हैं। गोरी रॉय आइए, गोरी मैम। जी वेरी मैम, गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, স্যার আমি নিজে তো ডায়মন্ড কোর্স প্লাস আমার টিমের আগে যতগুলো স্মার্ট কনজিউমার ছিল সেগুলোকে তো ডায়মন্ড কনভার্ট করছি, আর মোবাইল রিসিভের জন্য নিজে তো করবই, আর আমার টিমের থেকে আমি 3 জনকে বেছে নিয়েছি এবং 3 জনকে ওই 3 জনকেও আমি করাবই, এটাই আমার টার্গেট স্যার। बहुत शानदार। खुद करेंगे, 3 को और कराएंगे। वर्किंग वुमेन, बहुत सारी लेडी बोलते हैं सर टाइम नहीं मिलता है, वो गौरी मैडम से सीखो। स्कूल टीचर होके अपना वहां पे भी अपना पूरा ड्यूटी दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, उसके बाद खुद का कर रहे हैं और 3 और साथियों का करा रहे हैं ना। 4 साथी जो है टीम से डायमंड क्लब अचीव कर रहे हैं। और उसके लिए अगर आप बहुत सारे साथी इनकी टीम में जानते हैं, इनके इनका ग्रुप्स में, तो मैं देखता हूँ इनका हर 3-4 दिन तो ऐसा धमाल चलता रहता है इनके ग्रुप में जो है। इतना सारा प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, इतने सारा फील्ड का इनका वीडियो, मतलब हम बोलते हैं ना वीडियो बनाओ अपना, साथ काम क्या करो। तो इनके ग्रुप में देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनमें करते हैं, लेकिन इनके ग्रुप में कितना लेडी लेडी जो है पर सैटरडे संडे ये लोग शायद 10-15 वीडियो बना देते हैं अपने करके, फिर वो वीडियो सारा चलता रहता है करके। और इसीलिए नए ड्रीमर्स जो है पैदा कर रहे हैं। बहुत ही शानदार मैडम, बहुत जबरदस्त। 17 दिसंबर को तो आप साथियों से मिलने के लिए मैं आ भी रहा हूँ नॉर्थ बेंगोल में। बहुत जबरदस्त। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बबीता मैडम आइए एक बार, बबीता राठी। रिचार्ज मॉर्निंग सर जी। जी मैम, पहला तो मेरा ड्रीम है कि अब मैं जब तक माई रिचार्ज में जितना दिन हूँ उतना दिन मैं डायमंड क्लब ही करूंगी। जी। और दूसरा है कि मैं अपने हटलाइन को स्मार्ट कंज्यूमर से डायमंड क्लब में बदल दी हूँ, और नया जितना भी मेरे को 20 तारीख तक बीच में और भी मैं फास्ट करती, बट अभी जो बीच में ये दिवाली आ गया, अपना दिवाली का पर्पज से जो भी नहीं कर पाऊंगी 3-4 दिन, जी तो 20 तारीख तक मेरे को डायमंड क्लब कंप्लीट करवाना है। ये जो मोबाइल ऑफर है, इस मोबाइल ऑफर में आपने नवंबर दिसंबर का 8 दिए हैं, 8 की जगह मेरे को 12 कंप्लीट करना है। बहुत और इसके साथ एक और मैं चीज पूछना चाहती थी आपसे कि हटलाइन भी, हटलाइन को भी मैं करवाती हूँ तो वो मेरे में काउंट होगा मोबाइल ऑफर? नहीं, हार्ट लाइन का अगर उनके में काउंट होगा तो आपके में काउंट नहीं होगा, सिंगल एक ही जगह पे काउंट होगा। ये काउंट होगा अगर आप दुबई ऑफर, जयपुर ऑफर या क्रूज ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर भी जाके। मोबाइल ऑफर तो एक जने का एक मोबाइल, अगर 4 आपकी टीम में किए तो आपको काउंट होंगे, या फिर आपके हार्ट लाइन को जिसने किया उनको काउंट होंगे, मल्टीपल काउंट नहीं होगा ये। क्लियर मैम? बहुत बढ़िया। इसका एक इसका वीडियो भी है जिस दिन ये लॉन्च किया था, उसको भी आप देखेंगे तो उसमें सारे डाउट्स का जो है इसमें सॉल्यूशन है। डीएस राय का आ जाइए, पदमपुरा। जी सर, गुजरात से साथी हूँ। जी सर। हेलो सर, मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरा जितने लोग का जितना कस्टमर था वो उनका अक्टूबर में पूरा हो गया सर, जी तो नवंबर और दिसंबर में उनको डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर दूंगा। जी। और मेरी टीम में मेरा टारगेट 3 दिन को मैं करवाऊंगा सर, और मैं खुद भी करूंगा सर। और दूसरे इस बार सर अक्टूबर में मैंने बैग भी इश्यू किया और मेरे टीम में एक जन को और भी दिलाया और सिल्वर डायरेक्टर भी बन गया सर। बहुत बढ़िया सर। और 17-18 को सर कंपनी का विजिट भी है सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो रायका जी देखिए, जुलाई में हम मिले थे अहमदाबाद में, थी मास्टर ट्रेनिंग है, तो इनको मैंने वही बताया था कि देखो ट्रेडिशनल बिजनेस है ये तो, लेकिन आप लीडरशिप में भी जो है आगे बढ़ सकते हैं।
तो इन्होंने वहां से डिसीजन लिया, तो बैकपैक ऑफर आया था उसमें खुद ने लिया, साथियों को भी दिलाया। अभी जो है अपना डायमंड क्लब खुद का भी कर रहे हैं, टीम से भी करके जो है, और इस ऑफर को अचीव कर रहे हैं। खुद सिल्वर डायरेक्टर भी बन गए हैं, उस दिन तो इनको सिल्वर डायरेक्टर क्या ये भी नहीं पता था जुलाई में, लेकिन जब एक बार दिमाग खुल जाता है तो आगे बढ़ जाते हैं, तब तो सिल्वर डायरेक्टर भी बन गए हैं अक्टूबर में। तो बहुत सारी चीजें आती हैं एक ऑफर के साथ जो है ना, बहुत चीजें जुड़ी हुई है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। एक बार आगे बढ़ते हैं, आशा लता दुलाई मैडम आइए एक बार। आशा लता मैडम जी मैम, जी बोलिए मैडम। जी सर, আমি তো ডায়মন্ড কালার করছি, 200 ডায়মন্ড করছি, টার্গেট এই মোবাইল করেছি, আর করব সাথীদেরও করাবো, আর সেই টার্গেটে আমার ফেল আছে, দুইটি করে প্ল্যান শুরু আছে। खुद भी कर रहे हैं, दो साथियों को करा रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। मैम आप म्यूट कर लीजिए, आपका इंटरनेट का ना थोड़ा डिस्टर्बेंस है। लक्ष्मी मैडम आइए, लक्ष्मी बिनानी मैडम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, मैं फर्स्ट टाइम डायमंड क्लब कर रही हूँ, और जी इस बार मैं अपने डाउनलाइन को भी डायमंड क्लब करा रही हूँ, और मेरा ये टारगेट है कि मैं 20 तारीख के अंदर अंदर अपना और डाउन लाइन और दो जन का डायमंड क्लब कराऊं, क्योंकि मेरे को भी मोबाइल का वो उसमें करना है। बहुत शानदार मैम। लक्ष्मी मैडम इस बिजनेस में आई थी कुछ अपने हेल्थ इश्यू को लेके, और धीरे धीरे देखिए बिजनेस में जो है, खुद डायमंड क्लब कर रही हैं, चार साथियों को टीम में करा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। प्रकाश चौधरी जी आइए एक बार। प्रकाश जी। जी सर, माय रिचार्ज मॉर्निंग। जी सर। सर मेरी तरफ से पूरी कोशिश है अपनी टीम को डायमंड क्लब कराने की, और मैं अपनी टीम में 5 लोगों को डायमंड क्लब कराऊंगा, और उनको भी ये मोबाइल ऑफर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात है सर कि डायमंड क्लब के अनेकों फायदे, जी बहुत सारे फायदे अपनी टीम को दिलाता हूँ मैं डायमंड क्लब के। और तीसरी बात है सर, डायमंड क्लब से अपनी रैंक फटाफट बदलती। जी सर, बहुत शानदार। सर आपको पता है कि डायमंड क्लब का बेनिफिट क्या है, हम 3 बेनिफिट बता रहे हैं, उसके अलावा आपने कि साहब एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक रैंक बदलती है इसमें। बहुत ही बढ़िया आपने बात बोला। मैं एक चीज आपकी चीज में जोड़ना चाह रहा हूँ कि कोशिश करेंगे वर्ड को हटा दीजिए ना, बांग्ला में हमने जो है ना इसको चेष्टा कोर्बो वर्ड को ही हटा दिया है सर। करेंगे मतलब करेंगे, होगा मतलब होगा, हमने डिसाइड किया तो होगा, इस चीज को जो है हमको लेके आना, तो हम अपने ड्रीम के साथ खड़े होते हैं। गदाधर पत्रा जी आइए एक बार, अनम्यूट करिए पत्रा जी। आनी चाहिए था मॉर्निंग सर। सर जी, ये महीना का 10 तारीख से पहले अपना टारगेट लेके रखे कि अपना टीम से 10 जन को तो अचीव कराएंगे ही, अपना तो सेल्फ फोर है, उसके अलावा आगे प्रोसेस में इसको रखे कि 20 तारीख से पहले और कितना हम इसको बढ़ा सकते हैं सर, तो इसके ऊपर हम इसी स्ट्रेटेजी को लेकर काम कर रहे हैं, ये रणनीति बना के चला रहे इसको, और पूरा मतलब मेरे को 100% उसमें ये है कि हो ही जाएगा 20 तारीख से पहले, और बाकी तो आगे महीना पूरा पड़ा है उसमें भी देखते है क्या होता है, बट ये 10 तारीख से पहले सर 10 जन का मतलब अचीव करना ही करना है। टीम में 10 साथियों को करा रहे हैं, और इसका इनके क्योंकि इनके टीम लीडर जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्योंकि ये पागलपन की हद तक जो है बिजनेस को लेके जो है, अभी इनके ग्रुप में जो एक्टिविटी चलती है उनको हम देखते हैं, और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 10 साथियों खुद करेंगे और 10 साथियों को कराएंगे, और उसके लिए जो है रेगुलर एक्टिविटीज जो है वो कर रहे हैं। बहुत शानदार सर। तो उड़ीसा भी पीछे नहीं है किसी भी रूप में, हर कदम से कदम मिला के साथ चल रहे हैं, बहुत जबरदस्त। शिवानी मैडम आइए एक बार, शिवानी भट्टाचार्य जी। मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मैं तो खुद करूंगी करूंगी, और मेरा 4 हैंड में 2 जन करके इस टीम में कराऊंगी, और तो ये टारगेट हो गया कि इसको तो दुबई पॉइंट मार्क भी मिल जाएगा, और मैं इस 15 तारीख के अंदर जो टीम के है और मेरा खुद का भी है मैं कंप्लीट कर लूंगी सर। 15 तारीख
हमारा वेस्ट बंगाल में तो सेलिब्रेशन चल रहा है, सब भाई फोटा काली पूजा ये सब तो है, तो मैं 15 तारीख करा लूंगी, यही मेरा टारगेट है सर। बहुत सुंदर, भाईकोटा से पहले पहले जो है वो कंप्लीट कराएंगी। कितने कराएंगी अगर आपने सुना हो, खुद करेंगी और हर लेग पे दो दो साथियों को टारगेट करें, यानी 8 और साथी, 9 साथी जो है 9 मोबाइल लेने के लिए कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या काम कर रहे हैं मैडम, क्या क्या चीजें, क्या रणनीति बनाई है आपने फील्ड में जाने का, स्मार्ट कंज्यूमर को करने का, क्या चीजें कर रहे हैं? सर मैं तो मेरा जो काउंट होगा हॉटलाइन को छोड़ के, तो मैं 4 हैंड में नए 4 आदमी को कराऊंगी, ये मेरा खुद का टारगेट है। और जो दो दो आदमी को मैं चुन पहले उस आदमी को मैं सिलेक्ट करी हूँ कौन कौन करेंगे उस अचीव करेंगे, फिर उसके साथ मैं बैठ के उसका प्लानिंग करा रही हूँ, उसके बाद उसको खुद को फील्ड में जाने के लिए बोल रही हूँ, क्यों मैं सबके साथ को फील्ड में तो नहीं जा पाऊंगी, तो खुद को बोल रही है कि जो स्मार्ट कंज्यूमर है उसका डायमंड क्लब का बेनिफिट समझा के तुम खुद कराओ, तुम जाओ तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, तुम्हारा भय कट जाएगा, साहस आ जाएगा, इसलिए मैं उसको ही बोल रही हूँ कि तुम जाओ खुद जाके। बहुत बढ़िया, तो लोगों को तैयार कर रहे हैं हम लोग, अपना डुप्लीकेशन जो है ना, अपना डुप्लीकेशन मोबाइल ऑफर में भी डुप्लीकेशन, फील्ड में भी डुप्लीकेशन, प्लान दिखाने में भी डुप्लीकेशन, हर जगह। बिना सानी मैडम आइए एक बार। मारी चादर द मॉर्निंग सर जी, सर मैंने तो टारगेट ले लिया है, मैं तो अचीव कर रही हूँ, और मेरे हैंड में दो दो साथी को मैं मोबाइल ऑफर अचीव करा रही हूँ। इसके लिए मेरे जितने साथी स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे थे, तो मैंने उनका ड्रीम सेट किया और उन्हें डायमंड क्लब करने के लिए तैयार कर लिया है सर। और इसके लिए तो जबरदस्त प्लान सो एकदम आना ही आना चाहिए, सबसे पहले ये टारगेट को अचीव करने के लिए हमें 100% प्लान सो करना है और डायमंड क्लब को प्रमोट करना है, या सो द प्लान या सो द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट से हो जाए ज्वाइनिंग या प्लान से हो जाए ज्वाइनिंग, किंतु प्लान सो तो आना ही आना चाहिए। इसी प्लान पर हम चल रहे हैं सर, और अपने दो साथी को भी मतलब प्लान सो करने के लिए उन्हें उत्साहित किया है कि आप प्लान सो अपना करोगे तभी आप ये ऑफर अचीव कर पाओगे सर। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। ये मैडम भी कितने हो गए, 9 साथियों को खुद और 8 साथियों को और करा रहे हैं। सोनाली मैडम आइए एक बार। सोनाली मैम जी, मैरी चा सर विद द मॉर्निंग सर जी मैम। আর আমি এমনিতে তো ওই দুবাই অফারটার জন্য খুব চেষ্টা করছিলাম, তো তার মাঝখানে আপনি আরেকটা অফার দিয়ে দিলেন, তো আমার যারা টিমে আছে আর কি, আপনি যে একটা গল্প বললেন না ঘোড়ার গল্প, তো সেরকম আমারও সেরকম, মানে আপনার গল্পটা আমার ভীষণ ভালো লাগলো, তো আপনার ওই গল্প থেকে আজকে আরেকটা মনে একটা ইসে হলো যে আমি যদি আমার টিমে যারা আছে, অনেকজনই আছে এখন, যেহেতু আমি বেশি দিনের না এখানে, তো আমি তো এমনি রয়্যালটি, আর ওখানে যারা মেম্বার রয়েছে ওদের সঙ্গে এমনি কথা বলেছি, তার মাঝখানে আমার ম্যাডামও আবার সুচিত্রা ম্যাডামও আরেকটা অফার রেখেছে, যারা নিজে নিজে মানে আমরা তো ম্যাডামকে নিয়ে নিয়ে যাই, তো একা একা কাজ করতে মানে আমরা সাহস পাই না, সেই জন্য ম্যাডাম আমাদেরকে এক্সট্রা করে অফার দিয়েছে, যদি আমরা নিজেরা ডায়মন্ড করে নিয়ে আসতে পারি তো ম্যাডাম এক্সট্রা 500 টাকা করে দেবে সবাইকে। তো আমি আবার সেই কথাটা আমার টিমকে বলেছি, তো সবারই তো একটা ইনকাম করার আলাদা একটা এক্সট্রা টাকা আসবে, সেই জন্য সবাই রাজি আছে, তো সেখানে 5 জন আমার রেডি আছে যারা মোবাইল নিতে চায়, তা ওরা তো করবেই, আর ওই যে আপনি গল্পটা বললেন ওরা যখন করবে 5 জন, তখন অটোমেটিক আমার এমনিতেই মোবাইল অফারটা আমার অ্যাচিভ হয়ে যাবে, তারপর ওইদিকে দুবাই অফারটাও চলে আসবে, মানে এটা আপনার গল্পটা আমাকে আরো বেশি মোটিভেট করলো আজকে। বহুত শানদার, বহুত জবরদস্ত ম্যাম, তো ম্যাডাম কো জো হ্যায় আজ কি স্টোরি ভি বহুত ইমপ্রেসিভ লাগি উসসে, অর উসি রূপ মে কাম কর রহে হ্যায়, আগে বড় রহে হ্যায়। और सुचित्रा मैडम डबल डायमंड डायरेक्टर हैं इनकी, तो उन्होंने सीनियर ने इनका हाथ पकड़ रखा है, तो उसको हाथ को मजबूती से लेके आगे बढ़ रहे हैं। राजेंद्र भुकाल जी आइए। राजेंद्र जी आप कैसे इस ऑफर को लेके आगे बढ़ रहे हैं सर? मॉर्निंग सर जी। सर हमने भी नवंबर मंथ में 4 डायमंड करने का संकल्प लिया है सर जी, 1% डाल दिया है जी, और सर तैयार करेंगे कंप्लीट करेंगे सर, तो इसके बेनिफिट आपने जो बताया सर, सुना समझा है, उसको ऊपर काम करेंगे सर। बहुत शानदार, एक डायमंड क्लब कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, 3 और बच गए हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत शानदार। दिलीप छेत्री जी आइए एक बार। दिलीप छेत्री मैरिज ऑफ मॉर्निंग सर जी। सर जिस दिन से ये मोबाइल ऑफर आया है उस दिन से दिलो दिमाग में पूरा छा गया है, और इसको लेके अभी काम चल रहा है, टीम को
टीम से मैं बातचीत कर रहा हूँ। अब इस ऑफर में मैं खुद मेरे घर में तो आएगा, उसके बाद में और दो साथी के घर में भी मोबाइल जाएगा, इसका संकल्प लेके काम कर रहे हैं सर। जबरदस्त काम चल रहा है। अभी फिलहाल तीन तीन डायमंड क्लब हो चुका है और होने वाला है, बातचीत चल रहा है। तो दो खुद का, एक खुद का कंप्लीट कर रहे हैं, दो को टीम में करा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोई फील्ड में प्रोग्राम करते हैं, वन टू वन प्लान करते हैं, क्या करते हैं आप सर? फील्ड में जो जो स्मार्ट कंज्यूमर है, पहले तो उन लोगों को बताया ऑफर के बारे में, उसके बाद में वो उसी में से दो आ गए हैं और अभी फील्ड में भी उन लोगों को लेके अभी फिर फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत शानदार। तो जो जो हॉल में है वो बिजनेस में है, हम लोग हमेशा बोलते हैं जो हॉल में नहीं है वो बिजनेस में नहीं है। बहुत शानदार। स्वप्न दास अधिकारी मैडम आइए एक बार जी। स्वप्ना मैम विकास मिश्रा जी आइए एक बार जी। यस सर, मैरिजर मॉर्निंग जी सर। बोले सर कि अभी हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि जो साथी डायमंड क्लब कर रहे हैं उनको तो मोबाइल ऑफर में लाना फर्स्ट काम, सेकंड है कि जो अभी डायमंड क्लब में कन्वर्ट नहीं है उनको डायमंड क्लब में कन्वर्ट कराना जी। एक स्ट्रेटेजी बना है सर लिस्ट के ऊपर कि इसको हम लोग मैक्सिमम कैसे क्वालिफाइड करेंगे, तो थ्री टाइप ऑफ लिस्ट हम बनाने के लिए बोले हैं सर अपने तरफ से कि जैसे एक होता है ग्रीन लिस्ट। ग्रीन लिस्ट में ऐसे लोग होते हैं जो हम लोग जाए या प्लान देखे, अब प्लान जब समझ में आता है तो उसके पास पैसा अवेलेबल है, प्लान वो प्लान को ले लेगा, और हम लोग डायमंड क्लब आसानी से ले सकते हैं सर, निकाल सकते हैं। सेकंड लिस्ट करने के लिए बोला है सर कि ब्लू लिस्ट। ब्लू लिस्ट ऐसे लोग को लिस्ट में बनाने के लिए बोला है कि उनके पास शायद पैसा नहीं है लेकिन हम प्लान दिखाते हैं, प्लान समझ जाता है तो पैसा अरेंज कर सकते हैं, ब्लू लिस्ट में हम रखने के लिए बोले। और एक लिस्ट है सर रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में हम जो लोग जुड़े हुए हैं, ज्वाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं खुद उनको बोलता हूँ कि आप लोग रेड लिस्ट में काम करो। रेड लिस्ट में काम करने से लोग फायदा क्या होगा कि जो खुद का डायमंड क्लब है ना उसका प्रोडक्ट आसानी से, वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे सर, वो लोग ज्वाइनिंग करने वाले नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन कुछ प्रोडक्ट तो ले सकते हैं। रेड लिस्ट में हम लोग खुद काम करते हैं तो हम लोग का जो डायमंड क्लब का प्रोडक्ट है वो आसानी से निकल जाएगा, आने वाले कंटिन्यू करने में कोई डायमंड क्लब का बर्डन नहीं रहेगा। तो ऐसा एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं सर। रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है मोबाइल ऑफर को लेकर। कितने लोग अचीव करने वाले हैं टीम में सर? टोटल अभी तक तो 16 का लिस्ट आ गया सर। 16 का लिस्ट बना है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। कविता अंदर मैडम आइए एक बार। मॉर्निंग सर। मैं खुद तो मैंने ब्रेन को ये लिया है कि जो ऑफर मोबाइल ऑफर जब आया है तो मैंने खुद टारगेट फिक्स कर लिया है कि मुझे ये मोबाइल ऑफर को अचीव करना है और मेरी टीम से भी एक साथी को कराना है। इसके ऊपर मैंने लिस्ट बनाया है। लिस्ट बनाने के बाद उन साथी को ड्रीम फाउंडेड किया है और सभी को मैं डायमंड क्लब के बेनिफिट के ऊपर काम कर रही हूँ, उनको समझा रही हूँ डायमंड क्लब क्या बेनिफिट है, क्या क्या मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा तो मैं ये बता रही हूँ कि जो फाइव स्टार में जो रिकॉग्नाइजेशन होता है उसके बारे में ज्यादा बता रही हूँ, तो उन लोग बहुत खुश है और सब साथी डायमंड क्लब में राजी हो रही है, इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ सर। थैंक यू। बहुत शानदार। तो ड्रीम फाइंड आउट करके तो लोगों का ड्रीम फाइव स्टार में जाने का भी है, खुद के ड्रीम को फाइंड आउट करो, साथियों के ड्रीम को फाइंड आउट करो, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। नसीम पठान मैडम आइए एक बार। मेरी चैट मॉर्निंग सर। मैं अपना ही डायमंड क्लब तो कर ही रही हूँ और टीम में डाउनलाइन में भी करवाने की ट्राई चालू है मेरी, और जितने भी स्मार्ट कंज्यूमर है मैं उनको भी ये इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ सर। यानी सारे मेरी टीम में है सबको मैं यही ऑफर बताना चाहती हूँ कि ये डायमंड क्लब मोबाइल वाली जो ऑफर है ये करने से इनको बेनिफिट मिलता है कि आपको ये मोबाइल मिल सकता है, तो सर मेरी भी यही कोशिश चालू है।
बहुत शानदार मैम, कोशिश वर्ड हटा दीजिए, हो जाएगा, कोशिश नहीं कर रहे हैं, करेंगे ही करेंगे, बहुत शानदार। संतना मैडम आइए, संतना वर्मा मैडम। माय रिचर्ज मॉर्निंग सर। सर तो सैटरडे में मोबाइल ऑफर के बारे में हॉटलाइन के साथ डिस्कस किए थे, तो मैं यही बात उनको बोले थे जे जो जो अचीव करेंगे वो बोर्ड में नाम लिखो। सबसे पहले तो मैं मेरा खुद का नाम एक नंबर में लिखा, और जो जो हॉटलाइन है मैं उसको बोले थे जो जो अचीव करेंगे तो आए और नाम लिखूं। तो सर बहुत ज्यादा से ज्यादा नाम लिखा है तो मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। बहुत शानदार, पहला काम आया कि हमने मीटिंग किया और उसमें कि कौन मोबाइल अचीव करना चाहता है अपना नाम लिखा है, तो नाम लिखाया, फिर उसके बाद तो पहला क्लियर हो गया कि भाई इन लोगों के साथ काम करना है, तो उनके साथ फिर आगे की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम, तो पहला पार्ट यहाँ पे हो गया। तो जो साथियों ने अभी तक नहीं शुरू किया वो भी अपनी टीम में ऐसे कर सकते हैं, और फिर उनके साथ स्ट्रेटेजी प्लान करना कि कैसे इस ऑफर को अचीव करेंगे। तो ये इससे पहले जो मैडम ने, संपा मैडम ने बताया था कि हमने जो है उनके ड्रीम को फाइंड आउट किया कि फाइव स्टार की लाइफ में जाके आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं, उसके अलावा उसके साथ डायमंड क्लब के और बेनिफिट है उस चीज को। और ऐसे प्रकाश चौधरी ने बताया था कि सर डायमंड क्लब करने से जो है ना सर बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ते हैं, इनकम भी बढ़ती है, रैंक बहुत तेजी से चेंज होती है। तो देखिए आपस में सबके अगर हम सिक्वेंस को जोड़ेंगे तो ये डायमंड क्लब जो मोबाइल ऑफर है ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है, बहुत लंबी इसकी जो कड़ी जुड़ जाती है। जनार्दन मौर्य जी आइए एक बार जी। मौर्य जी, माय मॉर्निंग सर। जी सर, सर ये जो हमारा मोबाइल ऑफर है इसको लेके मेरे टीम में एक अच्छा माहौल है और मैं तो अचीव करूंगा ही सर। मेरे टीम में 10 लोग इस पे सीरियसली काम कर रहे हैं। मैं टीम में सर इसको प्रमोशन के लिए एक तो चीज लोगों के दिमाग में डालता हूँ हमारा जूम और वैसे करके कि डायमंड क्लब क्यों आपके लिए जरूरी है, ये बिजनेस को कैसे आपको बढ़ाएगा जी। तो सर जो लोग आगे तेजी से बढ़ना चाहते हैं उनके लिए डायमंड क्लब बहुत जरूरी बात है, क्योंकि डायमंड क्लब जो लोग करता है उसकी डेली की एक्टिविटीज बढ़ जाती है। 6,000 बीबी अपने ले रहा है कुछ, नो डाउट रिटेल करेगा तो वो फील्ड में ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसका टीम में अच्छा बढ़ जाता है, फिर वो जो डायमंड क्लब कर रहा है वो लोगों को डायमंड क्लब करा सकता है। दूसरा डायमंड क्लब करने का सर एक बेनिफिट ये है लोगों का, लोगों के पास कुछ प्रोडक्ट रहते हैं जिसको टीम में प्रमोट कर सकते हैं, रिटेलिंग के लिए अवेलेबल होता है, तो इसलिए डायमंड क्लब का सर एक बहुत बड़ी साइंस है जिससे डायमंड क्लब से बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। और जब से ये जो कंपनी ने एक्चुअली डायमंड क्लब बढ़ान करने का जो ऑफर दिया है, मेन मतलब तो है सर कि लोगों का बिजनेस को बढ़ाना है, इससे मेरे टीम में डायमंड क्लब तेजी से बढ़े हैं और मेरा बिजनेस वॉल्यूम में एक अच्छा ग्रोथ आया। इस महीने 30% का ग्रोथ सर इस ऑफर से मिलेगा और मैं तो सर अचीव करूंगा ही ये मोबाइल। और मेरा जो दूसरा है कि ये जो हमारा टूर है जो विदेश यात्रा है इस पे जो है वो भी अचीव हो जाएगा सर, और हमारे टीम में लोगों का चेक भी इसकी वजह से तेजी से बढ़ रहा है, तो इस तरह से हम सर इस पर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। और जी सर कितने साथी अचीव करने वाले हैं, आखिरी सवाल पूछ सकते हैं? 10 लोग सर अचीव कर, 10 और साथी आपके बिना जो है 11 टोटल लोग जो है आपकी टीम में इसको अचीव कर रहे हैं, बहुत शानदार। सुप्रियो क्या लाइए एक बार। मॉर्निंग सर। तो बोले हम भी 6-7 आदमी के साथ प्लानिंग किया है, तो पहले तो जैसे बोल रहा है तो पहले पूछा है कौन कौन अचीव करना चाहते हैं, तो 6-7 साथी से रिस्पांस आया है उसको तो लेके हम काम कर रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं और भी 2-4 साथी बढ़ जाए, तो ऐसे प्लानिंग चालू हो गया। तो हम भी चाहते हैं 20 तारीख के अंदर हमारा तो कंप्लीट कर भी लेंगे, और जो जो अचीव करना चाहता है उसका तो पहले 10 तारीख के अंदर उसका खुद का कर लेंगे, कर लेना चाहिए, वो भी हमने बोला है जो जो अचीव करना है 7 साथी का 10 तारीख के अंदर खुद का कर लेंगे, और 20 तारीख के अंदर उसका जो 4 है ना पहले महीने का वो भी हम करा देंगे। यही तो प्लानिंग पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, थाईलैंड टूर जब आया था तब आपने कोशिश सोचा था कि आपने ये सोचा था कि मुझे तो जाना ही जाना है? वो तो जाना ही सोचे थे जाना ही जाना, लेकिन तो थाईलैंड में आप थे कि नहीं थे? हाँ सर थे थाईलैंड में थे, तो थाईलैंड जाने के लिए ऐसे ही ऑफर को लेने के लिए सीधा बात है करके कोशिश नहीं, हमें तो करना ही करना है, जो आदमी ये सोच लेगा हमें तो करना ही करना है उसका हो जाएगा। बहुत शानदार, 5 से 6 साथियों को जो लेके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। इला मैडम आइए एक बार जी। मैम अनम्यूट करिए जी, बोलिए मैम।
जी बोलिए, अनम्यूट हो गया, बोलिए मैम। खुद डाइव तो कर रहे हैं जी, और जो एनिमल है उसको हम डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त। हम डायमंड क्लब कर रहे हैं, टीम से हर न्यू डायमंड क्लब के लिए हम बता रहे हैं। बहुत शानदार मैम, आपका थोड़ा सा वॉइस क्रैक हो रहा है, आप म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा मैडम, आपकी बात आ गई है यहाँ पर, आप जो रखना चाहते हैं। राखी चौधरी मैडम आइए एक बार। राखी मैडम, मॉर्निंग सर। जी सर, मैंने तो ठान लिया है इस चीज को मैं अचीव करूंगी, ऑफर को अचीव करूंगी, और मेरे खुद का तो 2 से 3 प्लान हर रोज ही होता है, लेकिन अभी तो अभी तक इस महीने से काम ज्यादा बढ़ गया है। मेरे टीम में भी कराना है, खुद अचीव नहीं करना है, टीम में भी कराना है, तो इसलिए जो जो साथी इस अफॉर को अचीव करना चाहती है उसके साथ हर रोज फील्ड में पहले जाती हूँ, फिर मेरे मेरे लिए खुद के लिए काम करती हूँ, और मैं और मेरे टीम अचीव करेंगे सर ये अफॉर। बहुत सारा, बहुत लेडी को होता है, बच्चे छोटे हैं, ये है वो, राखी मैडम से थोड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। बच्चे हस्बैंड सबको देखते भी 3 प्लान शो कर रही है जाके, क्योंकि ड्रीम जब बड़ा होता है तो बाकी चीजें छोटी हो जाती है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, और आगे बढ़ते हैं। संपा हल्दर मैडम आइए एक बार। मॉर्निंग सर। सर আমি তো নিজে হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনেই ডায়মন্ড ক্লাব শুরু করে দিয়েছি, আর আমার যে নিজে হার্ডলাইন আছে তো স্মার্ট কনজিউমার থেকে তাকে ডায়মন্ড ক্লাবে করানোর জন্য বুঝিয়েছি, সে অনেকটাই রাজি হয়েছে। আর যেদিন থেকে আমি মোবাইলের অফারটা পেয়েছি সেদিন থেকে তো যে নিজের নিজের থেকে একটা নিজের হাতে মোবাইল হবে এইটা তো মাথার মধ্যে বসিয়েই নিয়েছি যে আমাকে এটা নিতেই হবে। আর রোজই আমি ফিল্ডে বেরোচ্ছি কিন্তু স্যার শরীরটা পারমিট করছে না বলে মানে চেষ্টা করে করছি, করবই। আর যে আমি যে নিউ জয়েন এই মাসে একটা করিয়েছি সেটা স্মার্ট কনজিউমার থেকেই শুরু করেছি, তাকেও বুঝিয়েছি, তা সেও রাজি হয়েছে যে আমি এই মোবাইলটা নেওয়ার জন্য যে আমি ডায়মন্ড ক্লাব করব। তো এইভাবেই স্যার কাজ করছি আর চেষ্টা করছি যে আমি ডায়মন্ড ক্লাব আরো কিভাবে 2 থেকে 4 জনকে করানো যায় স্যার। বহুত শানদার ম্যাম, আমি তো বহুত দিন হে ইসি স্পিড কো আপ বানায়ে রাখেঙ্গে তো অচিভ হো জায়েগা, কোই রোক নেই পায়েগা ইস চিজ কো। আশিস কুমার গ্যাটি টা জি, আশিস জি। জি স্যার জি নমস্কার, মাইরিচ আয়ুর্বেদা মর্নিং। জি স্যার। ইস স্যার, তো মানে 1 তারিখ কো জব অফার মিলা মোবাইল অফার ইস মাইনে মে, उसी दिन मैंने टोटल 13 लोगों का लिस्ट बना लिया था, और उसमें से 3-4 समय लगा उन लोगों से बैठ के बात करने के लिए। तो फिर मतलब मेरा टीम से इस महीने में इसको ऑफर को अचीव कर रहे है, मतलब 6 लोग अचीव कर रहे हैं, मैं खुद भी अचीव कर रहा हूँ, उसमें से 2 लोगों का 12 तारीख के अंदर कम्प्लीट हो रहा है सर। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। तो पहले ड्रीम लिया फिर उसको पूरा करने के लिए जो है। जोयदेव विश्वास अनम्यूट करिए मैडम जी। मॉर्निंग सर। जी मैं फील्ड में हर दिन निकलती हूँ और मैं 2-3 मैंने सबको ही प्लान दिखाती हूँ जो भी मिलता है, और मैं डांस टीचर हूँ, वहां पर भी मैं प्रोडक्ट लेके उसको भी समझा रही हूँ, और मैं दूर का रिश्तेदार को भी फोन में समझा ही रही हूँ जो ये फोन अचीव करो, मैं भी करूंगी तुम भी करो, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त, तो अपने प्रोफेशन के साथ साथ जो है इसको, और जितने डांसर है ना वो मानगोल पिएंगे ना तो मैडम एनर्जी बहुत रहेगी करते हैं ना इस चीज को जो है, और शिलाजीत भी उसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त। गोविंद कुमार जी आइए एक बार। गोविंद जी मारी चार्ज आता मॉर्निंग सर। सर मैंने जितने डायमंड लीडर्स हैं सर मैंने उनको एक एक करके मिला, और सर सबका मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया कि सर होम मीटिंग व्यवस्थित ढंग से करेंगे, अगर इस महीने में एक एक लीडर का 3-3 होम मीटिंग हो जाएगा तो सर अचीव कर लेंगे बहुत आसानी से इस नवंबर महीने में। और सर मैंने भी सर अपना पूरा इस नवंबर महीने से मैंने 8 का प्लानिंग बनाया कि मैं खुद अपना पूरा फाइनली इस ऑफर को अचीव कर लूंगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सर, जो लोग क्लियर होते हैं दिमाग में वो आगे बढ़ी जाते हैं। सोमनाथ जी आइए एक बार। मॉर्निंग सर। जी सर। पूरी टीम के अंदर लगभग 10 लोग काम कर रहे हैं और मैं सेल्फ भी अपना जो टारगेट ले रहा हूँ
मैं अपनी वाइफ की जो आइडिया उनके नीचे करूंगा, उसमें दो फायदे होंगे सर, एक तो मोबाइल भी अचीव होगा और साथ ही साथ दवाई टूर का जो टारगेट है वो भी मेरा आगे बढ़ेगा। तो ऐसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत शानदार सर, तो 10 साथी और जो है अचीव कर रहे हैं और उसकी प्लानिंग पूरी किया है। राकेश खटीक जी आइए एक बार। राकेश सर, जो मेरी टीम में जैसे कि 3,000 BV या 4,000 BV के समथिंग जो लोग परचेस करे पिछले महीने या पिछले 3 महीने में, तो उन लोगों को डायमंड क्लब समझा रहे कि उनका डायमंड क्लब हो पावे, और जितने भी जो सिल्वर्स है सर, तो उन लोगों को समझाया जैसे कि आप लोग खुद इस मोबाइल ऑफर को करिए और अपनी टीम में 4 लोगों को कराइए, तो 30,000 BV तो इससे हो जाएगा और बाकी का जो 3,000-4,000 BV करके आप अपनी रॉयल्टी को भी मेंटेन कर सकते हैं सर। तो इस तरह से इस ऑफर को लेकर चल रहे हैं, और भी दूसरे प्लानिंग है जैसे कि हम लोग वेबिनार्स भी कर रहे हैं, सब क्या बोलते होम मीटिंग भी फोकस कर रहे हैं और 1-to-1 प्लान भी इस पे कर रहे हैं सर। तो 8 लोगों का टारगेट लिया है सर, उसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं सर। 8 साथियों का टारगेट लिया है और उसकी पूरी रणनीति आपने यहाँ पे रखी है। कृष्णा मकाल आइए एक बार। कृष्णा जी सर जी वाइट मॉर्निंग, पहली बात है जो ये ऑफर तो बहुत आसान है और एक ही हमारी टीम से 2 आदमी को सिलेक्शन कर चुका हूं और हमारा एक ही टारगेट है, सकल 9 बजे बाहर निकालना है, रात के 9 बजे के पहले घर में नहीं आना है और पूरा टीम में आग लगा दिया हूं सर, और ये ऑफर बहुत आसान है सर। बहुत शानदार सर, एक चीज बोली आपने, सुबह 9 बजे फुल टाइमर जो है सुबह 9 बजे घर से निकलना, 9 से पहले जो है घर पे नहीं आना है, तो ये बहुत एक शानदार चीज जो है और आसान है ऑफर, और इसको लेके जो है पूरी टीम तैयारी कर रही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। संदीप जी आइए एक बार। संदीप जी अनम्यूट करिए। मॉर्निंग सर। जी सर। सर पूरी टीम के साथ में पहले तो ये हमने प्लानिंग किया कि भाई दुबई कौन कौन जाना चाहते हैं, क्रूज बुर्ज खलीफा कौन कौन जाने वाले हैं, क्रूज कौन कौन जाने वाले हैं, उसका एक 20 लोगों का लिस्ट आया कि भाई हमें दुबई जाना है, तो उन लोगों के साथ में सर बैठ के प्लानिंग किया, तो उसमें से 10 लोग फाइनल हो गए, जो 10 लोग खुद का डायमंड क्लब करेंगे, और उनको ये प्लानिंग बताया कि ये मोबाइल जो अचीवमेंट है या मोबाइल ऑफर है ये कोई साधारण ऑफर नहीं है, ये हमें डायमंड डायरेक्टर तक लेके जाएगा, बहुत बड़ी इनकम तक लेके जाएगा, यानी उनको ड्रीम को फाइन किया। और उसपे सर प्लानिंग में हमने ये किया कि भाई अगर एक बंदा 50 प्लान दिखाता है, प्लान को यानी कि टारगेट को हमने एफर्ट में कन्वर्ट कर दिया कि हम अगर 50 प्लान दिखाते हैं तो ये हमारा कन्फर्म हो जाएगा, तो एक तो वो लिया, दूसरा होम मीटिंग कि जिन हमारी टीम में जो 10 लोग अचीव कर रहे हैं वो एक एक बंदा 3-3 होम मीटिंग करेगा, ये हमने सर प्लानिंग लिया। बहुत शानदार प्लानिंग के साथ आप काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। नीलिमा नायक आइए एक बार। नीलिमा मैडम अनम्यूट करिए मैडम जी। मैं तो ज्यादा से ज्यादा जो स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हैं उनको डायमंड में कन्वर्ट करूंगी और जितने हो सके होम मीटिंग करूंगी, और दिसंबर तक नहीं रहूंगी सर, नवंबर में ही, जितने ज्यादा हो सके उतने ही करूंगी। बहुत शानदार, लोखंडी लोग होते हैं गोवा के, तो इन्होंने बोला दिसंबर तक नहीं जाएंगे हम, तो नवंबर में ही अपना टारगेट जो है पूरा कर लेंगे, स्मार्ट कंज्यूमर को डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर रहे हैं। केदारनाथ नायक जी आइए एक बार। केदारनाथ जी। जी सर। हाय सर, प्रणाम जी सर। सुदर्शन जी आप हैं, इसको वाइड करो सुदर्शन जी, आपका मोबाइल तो खड़ा रह गया। मोबाइल चलिए बोलिए आप सर, अभी नहीं होगा, छोड़ दीजिए उसको। ये जो ऑफर आ रहा है आने के बाद मेरा टीम में बहुत खुशी आ रहा है, मैं पहले लिस्ट बनाता है जिसका मेरा टीम में जितना अनक्वालिफाइड सिल्वर है उनको मैं बहुत समझा कि देखिए आप एक मोबाइल ऑफर ले गए तो आप दोनों फायदा मिलेगा, 3 फायदा मिलेगा, क्या एक मोबाइल ऑफर के लिए आप 5,000 रुपया मिलेंगे, उसके बाद आपको रॉयल्टी भी क्वालिफाई होंगे, उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस वो 3 ऑफर आप क्वालिफाई कर पाएंगे। वो कुछ आदमी हमारा सिल्वर था उनको गोल्ड क्वालिफाई करने की तकलीफ था, मैं उनको समझाया देखिए आपका नीचे जो डायमंड क्लब लेंगे ना आप लेंगे ना आपके डायमंड गोल्ड रॉयल्टी क्वालिफाई करेंगे और मोबाइल अचीव करेंगे और हमारा दूसरा भी आप टीम की बढ़ा पाएंगे। और हमारा जो टीम थे हमारा 22 पर्सन लिस्ट बनाया जिसके क्वालिफाई सिल्वर उनका साथ में अभी खुशी का बात है, इस मंथ मेरा 6 तारीख के पहले
18 जन डायमंड ऑलरेडी कर चुका है। पहला बार मेरा टीम में देखा जाए, हर आदमी हर महीने क्या 10 तारीख करेंगे, 10 तारीख रात में 12 बजे करेंगे, इसमें 6 तारीख पहले 18 आदमी डायमंड कर चुके हैं। बहुत सर, इसमें जी सर ऐसे मेरा प्लानिंग था, पर वन क्वालिफाई को मैं क्वालिफाई करूंगे। कितने लोग ऑफर रिसीव कर रहे हैं सर? मेरा सर अभी तक 16 जन पे मैं डिस्कस हुआ था, ऐसा हुआ था जो 16 जन में क्वालिफाई करेंगे मेरा टीम से। बहुत जी सर, सदस्यों का लिस्ट बना है सुदर्शन जी की टीम में, उड़ीसा किसी से पीछे नहीं है। अरविंदो जी आइए एक बार। मैनेजर आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। सर मैंने तो खुद को तो कर लिया, करता हुई है, और चार एटलीस्ट फोर सर करेंगे ही करेंगे, वे अचीवमेंट करेंगे, और मेरा प्लानिंग है, मैं समझाता हूँ टीम पे जो हार्डलाइन है, हार्डलाइन के साथ बातचीत कर रहा हूँ जो डायमंड क्लब का क्या क्या बेनिफिट है, जो 3 बेनिफिट है, और उसका अंदर एक साइंस है जो तुरंत अचीवमेंट के लिए एक साइंस है, एक कंपनी का एकदम अंदर का बात है सर, वो जो तुरंत अचीवमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है उसके लिए एक डायमंड क्लब बहुत शानदार है। वो समझाता हूँ हॉटलाइन का अंदर बातचीत चल रहा है, आप जो जिसको नया जो आदमी हमको टीम में आ रहा है ज्वाइन करने वाला है उसका तैयारी भी हो रहा है, तो उसको भी हम समझाता हूँ डायमंड क्लब का जो जो बेनिफिट है, और स्मार्ट कंज्यूमर जो 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 कर रहा है उसको कन्वर्ट कराते हूँ सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार अरविंदो जी। मैं कोशिश कर रहा था और बहुत सारे साथियों को बुलाए, लेकिन बहुत लंबी लाइन फिर बनती जा रही है, तो साथियों क्योंकि टाइम हमें अलाउड नहीं करता, हम ऑलरेडी 6 मिनट ज्यादा जा चुके हैं, बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज किया था, फिर आपकी बात को सुनेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन था उसका पर्पज ये था कि हमारे जो देश भर में जो साथी कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं, इसको देख के जो साथी अभी तक शुरू नहीं किया इसको, क्या वो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, क्या उसको वो एक डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड क्लब जो है ना वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे है वहीं पे अचीवमेंट है, वहीं पे गोल ड्रीम्स अचीव होते हैं, बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के ड्रीम्स और गोल अचीव नहीं होते। और डायमंड क्लब को जो है कंप्लीट करने के लिए जो है हमको उस रूप में करना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे घर पे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वो खत्म होना चाहिए, लेकिन जब डायमंड क्लब करते हैं तो इस बिजनेस को हम सीरियसली लेके करते हैं। तो बहुत सारे साथियों ने जो है यहाँ पे आज कोशिश किया, हमने स्टार्टिंग से लेके ही आप सारे साथियों का सेशन रहा। दूसरा चीज, इस मीटिंग में मैं देख रहा था कि 880 से ज्यादा साथी जो है पार्टिसिपेट किए, लेकिन अभी भी 736 पे भी 750 से ज्यादा साथी है। मैं बोलूंगा पूरे टाइम रुका करो, जिनके पास टाइम नहीं है ना वो लोग जूम में रुकना शुरू करो, टाइम आ जाएगा आपके पास। जो अभी जो 750 साथी जो है ना उनके पास टाइम इसलिए है कि उनके पास ड्रीम है, और जो अपने ड्रीम के पीछे भागते हैं उनके पास टाइम आ जाएगा। टाइम जिनके पास नहीं है वो पूरे टाइम जूम में रुकना शुरू कर दो, 6:25 पे आओ और आखिर तक चलो, आपके पास टाइम भी आएगा पैसा भी आएगा, दोनों चीज आएगी। कल सुबह एक शानदार सेशन में मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के दिन में जितने साथियों ने बोला कि हमको लिस्ट बिल्डिंग करना है, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, एटलीस्ट आज के दिन में हमको कम से कम एक प्लान शो करने तो जाना ही जाना है, चाहे सुबह के 9 बजे से लेके जो इन्होंने बोला था मकाल जी ने कि रात के 9 बज जाए, चाहे 10 बज जाए, 10 बजे तक भी मुझे प्रेजेंट करके आना ही आना है, एक प्लान शो जरूर करके आना है। कल सुबह वापस से मुलाकात करेंगे, फील्ड में आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय मारी चार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।